नमस्कार दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उनमें पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो इसका सही जवाब आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का विज्ञान था। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। अरस्तु पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और ये किसने कहा? तो इसका उत्तर है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ये पंपोली जी ने कहा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? इस तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था और यह विलियम जेम्स और उन्ट ने कहा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है और यह वाटसन ने कहा। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थोरनडाइक ने लिखी और 1903 में लिखी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो अनुच्छेद 21 ए में इसका वर्णन है शिक्षा के मौलिक अधिकार का, और यह 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, CBSE कब बना? तो CBSE 1929 में बनी। प्रश्न नंबर 12, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? कम से कम 1:40 होना चाहिए और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 टीचर अनिवार्य रूप से होना चाहिए, यानी कि 60 बच्चों से कम हो तो भी 2 शिक्षक अनिवार्य रूप से रहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, अननोन टू नोन की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो यह विश्लेषण विधि में। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? संश्लेषण विधि में। अभी याद रखना, यह संश्लेषण में पहले ज्ञात होता है और अज्ञात की ओर जाया जाता है, और विश्लेषण में पहले ज्ञात नहीं होता और फिर ज्ञात किया जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि है? आगमन विधि। आगमन विधि में पहले सामान्य सामान्य नियम बताए जाते हैं, सामान्य सामान्य उदाहरण देके नियमों की व्याख्या की जाती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि जाती है? निगमन विधि। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? तो वह है आगमन विधि। प्रश्न 20, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण? निगमन विधि। पहले नियम का मतलब निगमन विधि। पहले नियम जिसमें बताएंगे वह निगमन विधि होगी। देखो और सुनो समझो किस विधि पर आधारित है? यह प्रदर्शन विधि पर। प्रश्न 22, देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रयोगात्मक विधि पर। प्रश्न नंबर 23, किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि में। आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? प्रयोगशाला विधि। करके सीखने पर काम करती है किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल हैं, और यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित है। कौन से ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास सेक्सुअल डेवलपमेंट उचित रूप से नहीं हो पाता? वह है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। प्रश्न 27, खेल पर आधारित विधि कौन सी है? वह है किंडरगार्टन विधि, फ्रोबेल की विधि। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है खेल से? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट
किसकी रचना है? ये वाटसन की रचना है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वह खेलकूद का मैदान। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक खेलकूद का मैदान। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो यह था विलियम हिल्ली के द्वारा। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध पाचन क्रिया से होता है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की रचना पर। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, अनेक समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। समान तत्व का सिद्धांत अधिगम के स्थानांतरण से संबंध रखता है। एक छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जिज्ञासा प्रवृत्ति को। स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है बाल्यावस्था को। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है विचारात्मक प्रक्रिया में। यह सब निहित होती है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, यह सब विचारों की प्रक्रिया है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा? ये रोस ने कहा। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? ये क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में भी मेंशन किया गया है, अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये खत्म कैसा है या किससे संबंधित है? ये मानसिक विकास से संबंधित है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है इमोशनली डेवलपमेंट का। तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में पियाजे के अनुसार। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के हिसाब से प्रश्न नंबर 43, इस अवस्था में यानी कौन सी अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है? उत्तर बाल्यावस्था में। कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वह है अभिप्रेरणा। प्रश्न नंबर 45, रिक्त स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। 8 से 9 वर्ष की उम्र में बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? करो एंड करो, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। गामक विकास में ये कौन सी चीजें? शक्ति और गति। इस अवस्था को यानी कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता भी कहा जाता है? बाल्यावस्था। प्रश्न नंबर 49, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है केवल एक कोष से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का जीवन आरंभतः मूलतः गठित होता है केवल एक कोष से। शेष अवस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता का होना, शेष अवस्था में नैतिकता नहीं होती, दूसरों पर निर्भरता होती है। चलो आगे भी डिस्कस कर लेते हैं आगे क्वेश्चनों में भी। सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, सीखने का कौन सा सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवादी से। अवलोकन व्यवहार पर आधारित है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, ये कौन से विकास को दर्शाता है? यह दर्शाता है व्यक्तिगत भिन्नता को, इंडिविजुअल भिन्नता को। प्रश्न नंबर 53, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग अर्थात जो मचान होता है, एक बालक
मैं सीखने की क्षमता तो है, पर उसको सिखाने वाला के जो एक साथ देने वाला चाहिए उसको। जैसे एक क्वेश्चन एक बच्चे को नहीं आ रहा, तो उसको अगर टीचर बताए, एक अध्यापक उसको समझाए, तो वो उसको समझ सकता है। ये स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है सहारा देना। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? प्रयोजना विधि किलपैट्रिक की विधि है। किलपैट्रिक महोदय ने प्रयोजना विधि का प्रतिपादन किया। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो सबसे उपयुक्त उपागम है सृजनवादी उपागम अथवा रचनात्मक उपागम। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? वर्तमान में शिक्षक की भूमिका सिर्फ सुगमकर्ता की है, सुगमकर्ता सुविधा प्रदाता की है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है विशेषण, विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मकता क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के कौन से सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है अर्थात व्यवहारवादी है। अवलोकन किसका करते हैं? व्यवहार का। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित। कार्य पर केंद्रित रखना चाहिए, लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? गेस्टाल्टवाद। और गेस्टाल्टवाद जर्मनी से उपजा है और मैक्स वर्दीमर ने इसका प्रतिपादन किया है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? एबिंग होस। एबिंग होस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। सीखने का नियम किसने दिया? सीखने का नियम थोरन डाइक ने दिया। सीखने का नियम किसने दिया? थोरन डाइक ने दिया। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन है हरलोक महोदय का यह कथन है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? व्यवहार में परिवर्जन अर्थात व्यवहार में परिवर्तन। कौशल सीखने की पहली अवस्था अनुकरण है। कौशल सीखने की पहली अवस्था कौन सी? अनुकरण है। हम जो कुछ भी सीखते हैं ना वो दूसरों से अनुकरण करके सीखते हैं। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या बोलते हैं? सीखने का स्थानांतरण। स्मृति सीखी हुई वस्तु का उपयोग है, यानी मेमोरी होती है ना वस्तु का सीधा उपयोग करती है सीखी हुई चीज का। ये कथन किसका है? उर्ध्वरथ का। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद हो जाती है उसे किस प्रकार का वक्र कहते हैं? तो उसको बोलते हैं उन्नतोदर वक्र। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थोरनडाइक महोदय। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है उत्तेजना। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है अथवा अधिगम है। संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेगों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मूल प्रवृत्तियों से होती है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत यानी पुनर्बलन का सिद्धांत। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? तो यह बताता है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत अथवा पुनर्बलन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है लास्ट और अगला। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें कौन सा गुण विकसित हो जाता है? तो वैज्ञानिक अन्वेषक का गुण उसमें विकसित हो जाता है। तो आज के 75 क्वेश्चन थे, 75। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट छोड़ें। इसमें मुझे क्या और
करने की जरूरत है। धन्यवाद।